अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, उसकी ज़ियारत करने के लिए, और नमाज भी पढ़ेंगे जाहिर सी बात है। तो अभी जो है ना, हम लोग सैयदुश्शुहदा से ज़ियारत करके निकले। वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद कुबा, उससे पहले अभी बकाला से कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सऊदी में ना आपको हर जगह खजूर के बागात मिलेंगे। देखें खजूर के बागात, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मस्जिद कुबा पहुंच गए हैं, आप सामने देख रहे हो, ये मस्जिद कुबा है, इस्लाम की पहली मस्जिद है। सारी चीज़ आपको दिखाएंगे अंदर चल के। यहाँ दुनिया में सबसे पहली मस्जिद जो बनी थी ना, तो ये गाड़ी को पार्क करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पार्किंग नहीं मिल रही है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इतनी मुबारक जगह की ज़ियारत करने के लिए, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। तो बस वही ढूंढ रहे हैं कि जगह मिल जाए और हम लोग गाड़ी पार्क कर दें, फिर आप लोग को अंदर से सारी मस्जिद दिखाएँगे। और सुभान अल्लाह, यही वो मस्जिद है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा, जिसकी बुनियाद जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। रोड क्रॉस ध्यान से करो, जल्दी जल्दी आप भाग के। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को हिजरत किए थे ना, तो यही वो जगह है जहां अभी मस्जिद कुबा है, यही वो जगह है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। कहीं 4 दिन लिखा हुआ है क़याम फरमाया था, कहीं 7 दिन लिखा हुआ था, तो उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी थी। मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको इधर से दाखिल होना है, ये इंट्रेंस है, और नीचे जो है मर्दों का वज़ू खाना है, ऊपर औरतों का वज़ू खाना है। ठीक हो गया, तो सारी चीज़ हम मर्दों की दिखाएंगे क्योंकि औरतों में कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे तो वो आगे, बट सारी चीज़ आपने मर्दों की ही देखनी है क्योंकि औरतों को पर्दा का एहतमाम है, तो जाहिर सी बात है हम गुनाह नहीं उठा सकते ना। तो ये देखें, ये जो हदीस है यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आप बाद में पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते। हदीस है कि घर से आपने वज़ू करके आना है और यहाँ 2 रिकत नमाज़ पढ़नी है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशाद है।
तो आपको एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो जिसने भी आना होगा ना, तो वो घर से वुज़ू करके आए और यहाँ नमाज अदा करें। यहाँ वुज़ू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका सवाब ज़्यादा है, ठीक है। और ये है मर्दों की मस्जिद, पूरी मस्जिद मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर से, ठीक है। तो आप लोग मस्जिद देखें उसके बाद। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल। चले अब औरतों की मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो सेम जैसे मर्दों की मस्जिद है वैसे ही औरतों की मस्जिद है, ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। तो बस हम लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल चुके हैं, नमाज अदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो ये देख लें हम लोग यहाँ पे जो खेलते थे। चलें जी नमाज हो गई, नीचे चलते, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो पहले पापुष वहाँ खड़े होंगे। भारत के लिए सारी बसें लगी हुई हैं। चलो चलो बस जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ चले। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।